आज प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के दौरान एक खास तस्वीर देखने को मिली। इस तस्वीर की चर्चा हर आम और खास कर रहा है। प्रधानमंत्री के खास मुलाकात की तस्वीर क्यों चर्चा का विषय बन गई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की, करोड़ों की सौगात दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर रही। जरा देखिए इन तस्वीरों को। बीच में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और उनके आसपास घेरे कुछ लोग। ये लोग ना तो कोई बड़े नेता हैं और ना ही अफसर, ये बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जब बीजेपी कार्यालय के कर्मचारियों से मुलाकात की तो सभी कर्मचारी गदगद हो उठे। इन कर्मचारियों में सफाई कर्मी के साथ साथ बीजेपी दफ्तर में चाय पिलाने वाले कर्मी, गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात भी की और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मुझे गर्व है, हमारी पार्टी में ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने न्यूज 18 के कैमरे पर बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या क्या पूछा। प्रधानमंत्री ने पूछे कि नाम क्या है, तो हम फिर हम कार्यालय का स्टाफ हैं बोले पहले तो, फिर नाम पूछे, फिर क्या करती है तो ही साफ सफाई का काम करते हैं बोले, बस इतने बोले। बात पूछे प्रधानमंत्री जी के कितना दिन से काम कर रहे हैं, तो हम बोले 2008 से काम कर रहे हैं, इतने बात हुआ उस। सभी सफाई कर्मियों से, सभी जो प्रदेश के स्टाफ हैं, स्टाफ से मिलजुल करके अलग से फोटो खिंचवा, गप सप किया, दुख सुख बांटा और साथ ही यह भी वादा किया कि एक रोज हम प्रदेश कार्यालय में चाय पीने के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीरें अक्सर ही देखने को मिलती है, कभी कर्मचारी के साथ मुलाकात तो कभी छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री की प्यार भरी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इसके साथ ही लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का सड़क पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का काफिला कुछ पल के लिए रुका जहां संगीत और नृत्य हो रहा था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग में विशेष कार्यक्रम को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। आपको बताते चले कि हजारीबाग वासियों के बीच काफी जो है हर्ष का माहौल देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है स्वागत के लिए झारखंडी नृत्य के साथ भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। झारखंड के पावन धरती हजारीबाग में उनका आगमन हुआ और झारखंडी नृत्य और झारखंडी युवाओं और बच्चियों के द्वारा उनका वो प्रदर्शनी दिखाया गया, तो उन्होंने अभिवादन किया। हमारे को बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे को इतना सौभाग्य माना कि वो 2 मिनट के लिए गाड़ी को धीरे करके हमारे पास एक हमारे नृत्य को और हमारे युवाओं को देख के प्रोत्साहित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री और हम लोगों ने अपना संस्कृति को उनके सामने दिखाया और हम लोगों ने बहुत सारे मतलब नृत्य किया, जिससे हमारी संस्कृति का पता चला कि हम आदिवासियों कैसे रहते हैं, हमारा संस्कृति क्या है। और उन्होंने हमें देख करके अपना गाड़ी जो उनका जो वाहन था उसको 2 मिनट के लिए रोका। अब प्रधानमंत्री मोदी ने हजारीबाग के मंच से कई मुद्दों को लेकर जेएमएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को घेरा, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया, साथ ही कहा कि बीजेपी जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन से डरती है। जी, यूपी में 17 बार क्यों पेपर लीक हुआ? 7 सालों में अभी तक क्यों नहीं सिपाही की बहाली हुई? क्यों नहीं शिक्षकों की बहाली हुई? क्यों नहीं क्लर्कों की बहाली हुई? आप बताइए, मोदी जी फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी बाबूलाल जी के जमाने का हुआ,
उसके अधिकारी और सदस्य और अध्यक्ष क्यों जेल गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर हजारीबाग से आदिवासी समाज को बड़ी सौगात दी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। योजना जनजाति विभाग के जरिए संचालित की जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। जनजातीय परिवार के लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास दिन रहा। खास दिन इसलिए भी रहा क्योंकि आज हजारीबाग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 83,700 करोड़ रुपए की जो है विभिन्न योजनाओं का जो है उन्होंने शुभारंभ और शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे जनजातीय समाज के लोग पहुंचे हुए थे, लाभुक पहुंचे हुए थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ऐसी योजनाओं का सौगात दी है इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। सुशांत सोनी न्यूज 18 हजारीबाग। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए आई थी और मैं मिल के बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी मिली। मैं विशेष पिछड़ जनजाति पहाड़ी कोरवा समूह से हूँ सर, और मेरे पहाड़ी कोरवा भाई बहन लोग के लिए आवासीय, पक्का आवासीय, शौचालय, रोड, बिजली, पानी, ये सब की अभी सुविधा मिल रही है। इसी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। करदना गांव है, ग्राम पंचायत है, जिसको आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है। जो पहाड़ी कोरवा जो भाई बंधु हमारे हैं वो पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में दूर दुर्गम स्थलों पे रहते थे, उनके लिए कॉलोनी बसाकर उनको कॉलोनी में भेजा मतलब रखने के लिए व्यवस्था किया गया है, जिसके नाम से वो सभी बहुत खुश हैं। और आंगनबाड़ी, नल जल योजना, बिजली, सभी व्यवस्था होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। जेएमएम के एक प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर के मानगो थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जेएमएम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मंडल अध्यक्ष अमित मुर्मू ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिया। इस तरह का भाषण देखकर हेमंत सोरेन के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने का काम किया जा रहा है। थाना में सोशल मीडिया प्रभारी जिला स्तर से हम लोग आज मामला दर्ज करने के लिए आए हैं। विगत दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ में बहुत ही असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बयानबाजी किया था सोशल मीडिया में, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 अक्टूबर को जमशेदपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले। सीएम हेमंत सोरेन एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल के ओपीडी सेवा का उद्घाटन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं कार्यक्रम से पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 751 बेड का एमजीएम अस्पताल बन चुका है, इसमें 131 बेड आईसीयू, 620 बेड जनरल होंगे और 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी अलग से बनाया जा रहा है। 751 बेड का ये हॉस्पिटल वर्तमान में बन चुका है, जिसमें 131 बेड आईसीयू के हैं और 620 बेड जनरल। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी हम लोग अलग से लगा रहे हैं, मतलब कुल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 851 बेड की। रांची के मोराबादी मैदान में जेसीआई एक्सपो का आज समापन हुआ। एक्सपो में भारतीय स्टॉल के साथ विदेशी स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। एक्सपो उत्सव के आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि जेसीआई एक्सपो में इस साल 400 से ज्यादा स्टॉल का लोगों ने लुत्फ उठाया। और झारखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।